गाइस देखिए आप लोग मेरी शादी का एल्बम। तो नमस्ते, मेरा नाम है दीपिका खान, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शिशि नगर गढ़वाल से। तो मैं आज आपको अपना शादी का एल्बम दिखा रही हूँ। तो मेरी शादी हुई थी 27 जून 2020, घोर लॉकडाउन लगा था। तो ये देखिए ये फ्रंट, तो मेरे ससुराल साइड हल्दी होती है सुबह, जिस दिन मेहंदी होती है न्यूतेर, तो सुबह दाल वगैरह पीसी जाती है। तो ये मेरी ननदें हैं तीन, सविता, रितु और सौजन्या। तो ये हल्दी कोटरी है जो कि कन्याओं द्वारा कूटी जाती है हर पहाड़ी इलाके में गढ़वाली शादी में। तो ओखल में लोग कूटते हैं लेकिन इन लोगों ने शायद इसी में कूट दिया। तो चलो बढ़िया है अपना। और यहाँ पे हस्बैंड जी इनका चल रहा है हल्दी हाथ, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे बांध देने की तैयारी। तो ये मेरी सासू जी हैं, ये मेरी दूसरे नंबर की सासू जी जिनको आपने ब्लॉग में भी देखा होगा। ये चौथे नंबर की सासू जी, तीसरे नंबर की नहीं आ रही थी क्योंकि जैसे कि आपको बताया मैंने लॉकडाउन में शादी हुई तो वो नहीं आ पाए। ये मेरे ससुर जी हैं और सब लोग एक एक करके बांध दे रहे हैं। तो पूरे गाँव वाले भी बांध देते हैं जितने शादी में आते हैं देते हैं लोग। कई कई जगह ऐसा होता है सिर्फ 5 कन्याएं देते हैं। ये दूसरे नंबर वाले ससुर जी हैं जो ऊपर, और ये फिर मेहंदी हो गई रात की, देख सकते हो आप। और सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं मेहंदी के बाद, मतलब हाँ। ये मेरी दादी सास और फूफ सास जी हैं, ये है मेरी जेठानी की मम्मी पापा, ऊपर सास ससुर जी लोग, बाकी ये पूरी फैमिली बारात जाने के लिए तैयार हो गए हैं सब लोग, मतलब दुल्हन को लेने के लिए, मुझे लेने के लिए। तो सारे ग्रुप फ़ोटो, और पता मेरी शादी में सिर्फ 25 लोग अलाउड थे जो कि परमिशन करके लेके आए। शादी के लिए पहले परमिशन हुई, उसके बाद हमारी शादी हुई। तो अब यहाँ पे बारात पहुँच गई है गेट पे। ये मेरे जीजा जी हैं, ये मेरी बहन मेगा जिसको आप जानते हो, ये चाचा की लड़की, ये मेरा भाई बड़ी माँ का लड़का। तो पे रिबन काटने की तैयारी चल रही है, और यहाँ पे देख सकते हो पहुँच गए हैं मेरे जीत जी हैं, मेरे देवर हैं ऊपर, और नीचे सविता और रितु जिनको आप लोग ब्लॉग में देख रही हो। तो आए थे 25 लोग बारात में, बस ये मेरे छोटे वाले ससुर जी, ये भी देवर हैं। बाकी मैंने जैसे सोचा था कि बहुत सारे मेहमान आएंगे पहले से ही, जब मेरी सगाई हुई तो मैंने कहा मेरे साथी में मेरे फ्रेंड लोग सारे रिश्तेदार आएंगे, तो नहीं आ पाए। ये मेरे मामा हैं दोनों, और मेरे मामा को तो आप जानते ही हो, और देख सकते हो ये बड़े वाले मामा हैं मेरे, और मतलब मेरी मम्मी के बुआ जी के लड़के, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। और ये मेरे मामा जी को तो आप जानते ही हो। बाकी ये है यहाँ पे अब जयमाला की तैयारी होने लगी है। ये मैं दुल्हन को तो आप पहचानेंगे होंगे, बाकी ये मेरी बहन है मेगा और एक मेरी फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड भी है और बहन भी है। तो ये है सुजाता नाम है इसका, और यहाँ पे चल आ गई मैं जयमाला के लिए। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा। बाकी इस एल्बम में दो लोग हमारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो वो मिस हैं, मतलब मेरे पापा और मेरे ससुर जी जो कि अब है नहीं, रहे नहीं। तो यहाँ पे अब ग्रुप फोटोज चल रही हैं, ये दीदी जिया जी हैं, और ये ताऊ बड़ी मम्मी के हस्बैंड हैं, नाना जी, नानी जी, और मेरी बड़ी मामी तो मेरी शादी में आई ही नहीं क्योंकि अक्षरम छोटा था उस टाइम और लॉकडाउन था बहुत ख़तरनाक वाला, तो मामी नहीं आ पाई, जो कि पूरी शादी में हमें बहुत ही बेकार लगा और मामी को बहुत मिस किया और अभी भी करते रहेंगे। क्योंकि जब भी हम लोग एल्बम वगैरह देखते हैं तो हम बोलते हैं कि मामी नहीं आई तो बुरा लगता है। यहाँ पे चल रही है जो क्या बोलते हैं इसको, गुप्तदान शायद, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पूजा होती है मम्मी पापा के द्वारा, और जो नकली ज्वेलरी होती है उनको हटाया जाता है, असली पहना के वेदी में हम लोग आगे हैं। तो जो मैंने नकली ज्वेलरी पहनी थी आप देख सकते हो हटा दिया, ये है दिए
साथ बत्ती है जलाई हुई और उड़द की दाल के साथ, तो इनको पीसा जाता है, बोला जाता है कि बुरी नज़रों से बचाने के लिए हमारी शादी मंगलमय हो। और ये मेरे मामा जी अंगूठी पहना रहे हैं हस्बैंड जी को, और ये नाना जी भी गिफ्ट दे रहे हैं, पापा भी गिफ्ट दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे सिंदूर दान की रस्म हो रही है हस्बैंड जी आज से में इनकी, और ये हमारे ये हो गया शादी हुई संपन्न। और इसके बाद यहाँ पे होगा कन्यादान, शादी के बाद बहुत ही बड़ा जो दान माना जाता है, तो हमारे उसको वो है कन्यादान, जो कि मम्मी पापा के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य होता है। और ये हो गई है विदाई, जो कि लड़की के लिए बहुत ही बड़ा क्षण होता है, बहुत इमोशनल सा पल, अपनी मम्मी पापा से दूर जाना, अपने परिवार भाई बहनों से दूर जाना, तो ये बहुत इमोशनल सा पल होता है। बाकी नीचे फ़ोटोज़ देख सकते हो, मैं अपने ससुराल भी पहुंच गई, यहाँ पे वेलकम, ये सर में लोटा रख के नंद होती है वो पानी लाई, और ये मेरे जीजा जी मेरे साथ 5 लोग आए थे, ये भी मेरे ताऊ जी का लड़का, चाचा का लड़का, ये रोहन, और बाकी यहाँ पे मेरी सास। तो मेरे ससुराल साइड राती को सास बेंट लगाई जाती है, लेकिन मेरे माई के साइड तो सुबह लगाते हैं, पर लगाई दी क्योंकि सब लोग को पता है कि बहुत थकान हो जाती है। बाकी ऊपर देख सकते हो पूरी फैमिली ग्रुप फ़ोटोज़, ये हैं मेरी सास दोनों, और यहाँ पे हस्बैंड जी अपने जो टोपी माला वगैरह थी तो वो अपनी माँ के हाथ में दे रहे हैं। तो मैं अपनी सास लोग को रात को ही लगाया, पूरी 12 बजे तक चल रही थी सास बेंट। ये मेरी जेठानियाँ हैं बड़ी वाली और छोटी वाली, तो जो कि कमज़ोर थी छोटी वाली जेठानी भी मेरी शादी में। बाकी ये सब लोग कुछ गांव के हैं, ये हमारी दादी जी, और ये लास्ट फ़ोटो खिंचाई मैंने मामा लोग भैया लोग के साथ। यहाँ पे लास्ट सी शादी की जो रस्म होती है, सबसे लास्ट होती है, वो होती है धारा पूजन, तो यहाँ पर हमारे धारा पूजन भी संपन्न हुआ, मेरे भैया लोग भी आए थे मेरे साथ, ये सब्बू और ऋतु। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है शादी की भी, जो कि हर लड़की के अरमान होते हैं कि कैसे कैसे हो, और काफ़ी अच्छे से रही। तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करना।